हमारे जो बुक है हिंदी क्या बोला जाता है, लोकतंत्र, ठीक है, लोकतांत्रिक बुक है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र की जो हमारे संविधान में जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है किसे बताए? जनता का, जनता के द्वारा जनता पर शासन, ये क्या होता है? लोकतंत्र। हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, क्या है? सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी होती है, सत्ता मतलब क्या होता है? सबके साथ, जो पुलिस जिनके पास क्या बोलते हैं, पावर है, ठीक है, राइट्स है, जो पावर है उसे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं, मतलब साझा करते हैं ना। जैसे ये बात करो, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, ठीक है, बट कहा जाए इस एरिया की बात करें रॉली महदूद की, तो किसी के पास खुद का कंप्यूटर सेंटर खोलने का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है। क्या कर रखा उन्होंने? दूसरे से अटैच कर रखा है। जैसे तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारे स्कूल क्या किसी और स्कूल से अटैच है, वैसे ही बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, तो क्या है, एक के पास सर्टिफिकेट है, उन्होंने क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या होता है, सत्ता की साझेदारी। तो अब देखो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले क्या है, श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह क्या है? ऑप्शन है तमिलों का, सिहलियों का, डंशो का और हिंदुस्तानी तमिलों का। क्या होगा? सिहलियों। क्या है? श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह क्या है? सिहलियों का। नेक्स्ट है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948। कब श्रीलंका फ्री हुआ था? 1948। और इंडिया कब हुआ था? 1947। श्रीलंका कब फ्री हुआ था, स्वतंत्र हुआ था? 1948। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्रीलंका में सिंहली को एक समान राजभाषा कब घोषित किया गया? 1956। जैसे हमारी मदर टंग क्या है? हिंदी। वैसे श्रीलंका में क्या होती है? सिंहली लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे चाइनीज हो गई, फारसी हो गई, इंग्लिश हो गई, वैसे सिंहली क्या है, लैंग्वेज है। तो श्रीलंका में कब लागू हुई थी? 1956। ये क्वेश्चन आएगा, इससे तो ध्यान रखना, डाटा याद रखना। नेटो क्या है? भारत में संपूर्ण देश की सरकार को कहते हैं, मतलब जो पूरे देश की सरकार होती है उसे क्या बोला जाता है? केंद्र सरकार। क्या बोला जाता है? केंद्र सरकार। ऑप्शन क्या तुम्हारे पास? केंद्र सरकार। देखो, जो पहले क्या, केंद्र सरकार क्या होती है? यूनियन गवर्नमेंट। केंद्र सरकार। यूनियन सेंट्रल। और राज्य सरकार? गवर्नमेंट। और प्रांतीय सरकार? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय सरकार? अब जो हमारा क्या है, जो इंडिया है, इंडिया का जो होल वर्ल्ड है, मतलब जो हमारा पूरा देश है, कौन सी क्या करे, कौन सी गवर्नमेंट अब लागू होगी? स्टेट गवर्नमेंट हो नहीं सकती, स्टेट गवर्नमेंट की पावर कहाँ होती है? ओनली अपने स्टेट में होगी, ठीक है। बात करें लोकल गवर्नमेंट की पावर क्या होगी? अपने एरिया में होगी। तो जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या होगी, पूरे सेंट्रल में, पूरे हमारे इंडिया में कवर कर दी। जैसे कि मान लो योगी आदित्यनाथ है, सीएम है हमारा, ठीक है, उनका जो एरिया है, उनका प्रांत एरिया क्या है, मान लो यूपी है, उत्तराखंड का सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उनका एरिया क्या है हमारा, उनका एरिया क्या है, ये उत्तराखंड एरिया है। अगर बात करें पीएम है, पीएम का एरिया क्या है? अगला क्वेश्चन, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने भाग है? हमारे जो मॉडर्न, हमारा जो डेमोक्रेसी, हमारा जो लॉ है, उसमें ये कितने पार्ट है, जो हमारी जो सिस्टम है, कितने पार्ट में ब्रेक किया गया है? कितने पार्ट है? तीन पार्ट में ब्रेक किया गया है। जैसे कि पहला फार्मिंग, ठीक है, बताया था जैसे कि इकोनॉमी है, वैसे ही लॉ बनाए गए हैं, जैसे कि मेनली इकोनॉमी के बेस पे ही इन्हें डिवाइड किया गया है। कि जैसे कि कोई भी व्यवस्था है, ठीक है, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? रूल्स एंड रेगुलेशन एंड मनी।
मनी तो बात की बात है, अभी तो डेमोक्रेसी पर है, कैसा फेस आ रहा है, डेमोक्रेसी पे है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो हमारी जो लोकतंत्र की व्यवस्था है कितनी है टोटल, तीन, ठीक है, कौन से टाइप से, क्या बोला क्या है, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो पावर है किसके हाथों में होती है, सरकार, किसके हाथों में, गवर्नमेंट के हाथों में, ठीक है। अलग देखो तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ, में श्रीलंका में किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया, सीधी भाषा को, शासन के हिंदी तीन अंकों के नाम लिखिए जो भी तुमने बताया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। फिर है तीनवा, संविधान संशोधन कब किया गया, संशोधन मतलब क्या है, 93 में जो हमारा संविधान है, संशोधन मतलब क्या होता है, उसमें सुधार करना, ठीक है। जैसे भी पीछे हुआ था, क्या बोलते हैं, जैसे एससी ओबीसी में जो छूट मिलती थी पहले, क्या थे 15% सबके लिए, जनरल वालों के लिए कोई छूट नहीं था, बट अभी कुछ दिन पहले इम्प्रूवमेंट क्या हुआ था, 10% सबको मिल रही थी, ठीक है, जो एससी ओबीसी उन्हें क्या 15% दिए, ठीक है। आगे क्या, जैसे कि जो संविधान में संशोधन, संशोधन मतलब क्या होता है, सुधार करने के हर 5 साल बाद, लॉ है कि हर 5 साल बाद हम कुछ लॉ जो टाइम के अकॉर्डिंग, जैसी बात करिए जब ये संविधान बनाया गया था, जो एससी ओबीसी और एसटी वाले होते थे बहुत ज्यादा गरीब थे, उन्हीं वजह से क्या बनाया गया था, उन्हें हर एक जगह पे हर एक टाइम पे क्या दिया गया, छूट दिया गया था कि उन्हें हर सीट में छूट, एजुकेशन बात करें, लेकिन आज भी कंडीशन है, अगर जनरल वाले लेके 99 आ रहे हैं और अगर एससी वाले, ओबीसी वाले, एसटी वाले के, खासकर एसटी वालों के, अगर एसटी वालों के 75 भी आ रहे हैं, सिलेक्शन किसका हो रहा है, एसटी का, जनरल का नहीं हो रहा है, व्हाई, क्योंकि क्या है, इस संविधान में रूल अभी तक वही जो पहले बना हुआ था, बट हमारे जो संविधान उसमें लिखा हुआ है कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, हमें इन चीजों को चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना कह रहा है 13वां संशोधन मतलब कि जब भी इम्प्रूवमेंट करा जाता है टाइम लिखा जाता है, तो जो 13वां संशोधन हुआ था 1993 में, और संविधान लिखा कब गया था, लागू कब हुआ था पता है, 26 जनवरी 1950 में। फिर वो क्या है, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में कितने संशोधन किए, कितने किए, 4, ठीक है, 1970 से 1993 में कितने किए, 4, और हमने 1950 से 1993 हमने कितने किए, 13, इंडिया में कितने हुए थे, 13 हुए थे, और बेल्जियम में कितने हुए थे, 4। फिर क्या देखो, लघुतरी क्वेश्चन में लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है, पहला क्या होता है, प्रतिनिधित्व का आधार लौकिक है, मतलब प्रतिनिधित्व मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कैसे हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चल पा रही है। सेकंड है सार्वजनिक हितों का संरक्षण, जैसे कि आप, जैसे कोई पॉलिटिशियन है, उसे क्या करना, क्या होना चाहिए, सबके, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमें क्या सबके लिए सोचना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं सोच सकते, तो वही हमें संविधान में क्या है, सार्वजनिक हितों का संरक्षण, मतलब सारे जो हमारी जो जनता है या जो हमारे पीपल्स हैं सबके बारे में हमें क्या करना है, सोचना है। नेक्स्ट क्या है, उत्तरदायित्व की भावना, कि अगर मान लो तुम किसी पावर पे हो या कोई पोस्ट में मिली है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है लिखित संविधान, हमारा संविधान कैसा लिखा हुआ है, राइटअप है। अगला है वयस्क का सार्वभौमिक मताधिकार, मतलब क्या होना चाहिए, वयस्क या सार्वजनिक सभी को क्या मत देने का अधिकार है, जैसे कि इंडिया में है जब भी कोई गवर्नमेंट आती है क्या होता है, वोटिंग होता है, वोटिंग में क्या है 18+ सबको क्या करना है, वोट देने का अधिकार है अपने सोच के अकॉर्डिंग। तो पहली बात यहाँ पे होना चाहिए, हमें अपनी वोटिंग की पावर ही बतानी चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे चाहिए जरूरत में क्या करते हैं, वोट गलत देते हैं, ठीक है। बट एक होता है ना, जैसे एक लाइन पड़ी थी, अगर एक समझदार व्यक्ति, ठीक है, राजनीति में नहीं आ रहा है तो कौन आएगा, अनपढ़ व्यक्ति आएगा, रियलिटी है ना। तो अगर अपने देश को बदलना है, अपने सिचुएशन को बदलना है या अलग एक सुपर पावर बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक जो नॉलेज या जो पढ़ा हुआ पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर वो उस जगह पर रहेगा तो अपनी कंट्री और अपने चीजों के बारे में सोच पाएगा। बोलते हैं ना एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन से बड़ा कोई वेपन नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे तुम अगर किसी ऐसे इंसान को बिठा रहे हो, इसके बाद कोई एजुकेशन नहीं है, उसे कोई नॉलेज नहीं ली है, ना उसे पता कि यूनिवर्सिटी क्या होती है, ना कॉलेज क्या होते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, और इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है, तो क्या वो उस चीज़ को हैंडल कर पाएगा, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंट्री को अगर आगे लेके जाना है तो वो जो कंट्री में जो पावर है, पावर किसी के पास होनी चाहिए, एक एजुकेटेड बंदे के पास होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम क्या है कि अगर किसी पास एजुकेशन है, अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो क्या होता है, पॉलिटिक्स से दूर भागता है, ठीक है। पॉलिटिक्स से दूर तो भाग रहे हो, ठीक है, बट अगर तुम पॉलिटिक्स से दूर भाग रहे हो, उस पॉलिटिशियन में भी तुम्हें सवाल उठाने का कोई अधिकार
नहीं है। अगर तुमसे सवाल उठा रहे हो ठीक है तो क्या सवाल उठा सकते हो, तुम वहां जाओ वहां बनो ठीक है, खुद बदल दिखाओ। कहते हैं ना कि मोदी क्या करना चाहिए, इसे करना चाहिए, करना चाहिए। भाई अगर तुम कर सकते हो तुम वहां पहुंचे करो ठीक है। और सामने अगर बंदा वहां पहुंचा है वो कुछ कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तुम उतनी पावर बनाओ, तुम वहां तक पहुंचो और खुद क्या कर सको चेंज कर पाओ। तो वही है कि मतलब हमें क्या वोट मत देने का सबको अधिकार है, बट उसका मतलब हमें क्या करना यूज भी करना आना चाहिए ठीक है। किसी भी वोटिंग करने से पहले हमें सोचना चाहिए किसे उस पोस्ट पे तुम्हें लेके जाना है, कौन उसके लायक है। वोटिंग देने से पहले कोई भी पॉलिटिशियन से पहले उसके बैकग्राउंड को पढ़ो कि क्या उसने पढ़ रखा, क्या नॉलेज है, कितनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है ठीक है। जिसे अब अगर उसे अपनी जैसे कि एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, इसमें क्या होते हैं वर्क किया जाता है। तो अगर कोई भी पॉलिटिशियन है उसे अपनी कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। एनएसएस में क्या होता है, हमारी जो सामाजिक से रिलेटेड में सिखाया जाता है और इन सब चीजों के बारे में पता है। सिंपल बातें करना है, अगर एक एजुकेटेड बंदा एक पावर में बैठा हुआ है तो अपने कंट्री को हमेशा आगे लेके जाएगा, अगर कोई अनएजुकेटेड बैठा हुआ है तो हमेशा क्या करेगा अपनी कंट्री को गिराएगा ठीक है। तो सवाल उठाने से पहले उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए।